वेलकम बैक अगेन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में भी आपको प्रॉमिस किया था कि हम नए नए स्टेट्स के बारे में बताएंगे कि उनका ट्रायल या सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो आज हम बात करेंगे न्यू स्टेट दिल्ली की। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कैसे सिलेक्शन ट्रायल कराता है, आप अगर दिल्ली से ट्रायल देना चाहते हैं तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे खेल सकते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। पहले तो आपको जान लेना होगा कि दिल्ली में ट्रायल्स कौन कराता है। जैसे BCCI सभी स्टेट्स को जिम्मेदारी देती है कि उनको ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराना है, तो दिल्ली में ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से है। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, मतलब आप समझ लीजिए आप जिस एरिया में रहते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रायल्स कराए या रजिस्ट्रेशन कराए। तो दिल्ली में भी MP की तरह सिस्टम है कि वो डायरेक्ट ट्रायल्स नहीं कराते। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ट्रायल नहीं कराता तो किस तरीके से ट्रायल कराता है, उनका ट्रायल कराने का प्रोसेस ये है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूँ, जैसे आप किसी न किसी स्कूल से पढ़ते होंगे ना, अगर आप सपोज कर लीजिए CBSE बोर्ड से, तो वो बोर्ड में जितने स्कूल रजिस्टर्ड रहते हैं उनकी एक जगह एग्ज़ाम होते हैं, तो ठीक है। उसी तरीके से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जितने क्लब या स्कूल एफिलिएटेड हैं, मतलब मान्यता प्राप्त हैं, जितने भी स्कूल्स या क्लब जुड़े हुए हैं, तो अगर आप दिल्ली से खेलना चाहते हैं किसी भी एज ग्रुप में, तो आपका किसी एकेडमी या क्लब में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप लोकल टूर्नामेंट्स खेलेंगे या स्कूल क्रिकेट लोकल टूर्नामेंट। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं परफॉर्मेंस दिल्ली में देखा जाता है DDCL लीग का, जो दिल्ली लीग्स होती हैं, अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो आप उसी के परफॉर्मेंस के आधार पे आप खेल सकते हैं दिल्ली से Under 16, 19, 23, जो भी आपका एज ग्रुप हो। अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही जो सभी स्टेट्स में लगते हैं, ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और आपका निवासी है, जो आधार आपका काम कर देगा अगर वहीं का आधार रहेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं और 3 साल से आपकी एजुकेशन दिल्ली से है, मतलब 3 साल आप दिल्ली से पढ़ रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं कि आप दिल्ली से ट्रायल्स दे सकते हैं, ट्रायल्स नहीं दिल्ली से सिलेक्शन मैचेस खेल सकते हैं। वो कि आपकी जो क्वेरी होगी, अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से आप ट्रायल्स देना चाहते हैं या सिलेक्शन मैचेस खेलना चाहते हैं, तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। अगर आपकी इस पर भी क्वेरी नहीं सॉल्व हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसमें भी हम कोशिश करेंगे। और इंस्टा का लिंक भी हम DM में दे रहे हैं, वहाँ आप हमको मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर।